नमस्कार दोस्तों, अलकास वेस्ट किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, विंटर सीजन यानी ताजे हरे सब्जी खाने का सीजन। इस सीजन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जी खानी चाहिए, तो आज मैं वैरायटी ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ करके सैंडविच बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आई होप मेरी रेसिपी आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों, ये है सैंडविच बनाने के इन्ग्रीडियंट्स, तो चलो बनाते हैं ग्रीन वेजिटेबल सैंडविच। ग्रीन वेजिटेबल सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम एक नॉनस्टिक पैन में एक टेबलस्पून ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म होने पर अदरक, लहसुन और मिर्च की पेस्ट ऐड करेंगे। इसे हमें एक मिनट के लिए कुक करना है। स्टोव की फ्लेम हमें स्लो ही रखनी है। एक मिनट के बाद बारीक कटे ऑनियन ऐड कर देंगे, साथ में कैबेज ऐड कर देंगे। अब डालेंगे कैप्सिकम, ककड़ी, कैरेट, और अजीनोमोटो ऑप्शनल है, इसकी जगह हम नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट भी ऐड कर देते हैं। सभी वेजिटेबल्स को 2 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। स्टोव की फ्लेम हमें स्लो ही रखनी है। अगर बीटरूट का टेस्ट पसंद हो तो 1 टेबलस्पून बीटरूट को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। दो मिनट के बाद ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर और स्पिनेच, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। ठीक से मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे पोटैटो, जिसे मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। साथ में ही धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। अब हम स्टोव की फ्लेम ऑफ कर देंगे। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा स्टफिंग तैयार है। अब हम सैंडविच बना लेते हैं। सैंडविच टोस्टर को घी से ग्रीजिंग करके प्रीहीटिंग के लिए रख देंगे। ब्रेड की स्लाइस पर घी लगा लेना है। घी की जगह हम बटर भी ले सकते हैं। इस तरह से ब्रेड के ऊपर स्टफिंग स्प्रेड कर लेंगे। पूरे ब्रेड को स्टफिंग से कवर कर लेना है। दूसरी स्लाइस पर भी घी या बटर लगा देना है। इस स्लाइस को स्टफिंग वाली स्लाइस पर रख देंगे। इस सैंडविच को टोस्टर में रख देंगे। सेम वे दूसरी सैंडविच बनाकर टोस्टर में रखकर टोस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, तैयार है हेल्थी और टेस्टी ग्रीन वेजिटेबल सैंडविच। बहुत ही टेस्टी बनती है, साथ में इतनी हेल्थी है, तो आज ही ट्राई करें। और हाँ दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।